की कार तो हमारे बंक जनाब, हम बंकों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। ये लफ्ज बिल्कुल सटीक बैठते हैं इंग्लैंड के जन्मे मासूम से बच्चे के ऊपर। दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मासूम सा बच्चा दिव्यांग है, और जब आप इसकी कारनामे को सुनेंगे तो इसकी अदम्य साहस को सलाम करेंगे। जी हाँ, इस बच्चे ने आई कैन राइट नाम की किताब लिख दी है। आपको बता दें, ये बच्चा ना तो बोल पाता है और ना ही उसके हाथ काम करते हैं। दंग करने वाली बात यह है कि ये किताब उसने आंखों के इशारों से लिखी। बता दें, जन्म से गंभीर सेरेब्रल पाल्सी बीमारी से पीड़ित इस वक्त व्हील चेयर पर ये मासूम रहता है। ये सोचने मात्र से ही आपको दुख होगा कि वो शरीर को हिला भी नहीं पाता। इस नाजुक सी मासूम स्थिति में रहने वाला ये बच्चा जोनाथन ब्रायन के माता पिता पहले से इशारों से बात करते थे। वही हैरानी की बात यह है कि जोनाथन ब्रायन को पढ़ाना आसान नहीं था। शिक्षकों का कहना था कि उसे पढ़ाना काफी कठिन है, लेकिन जोनाथन की माँ चैंटन ब्रायन ने हिम्मत नहीं हारी। वो बेटे को रोजाना स्कूल ले जाती और उसे पढ़ाने की कोशिश करती। वही 9 साल की उम्र में जोनाथन कुछ शब्दों का उच्चारण करना सीख गया। इसके बाद ई ट्रेन फ्रेम की मदद से वो लोगों से बात करने लगा। आपको बता दें कि ई ट्रेन फ्रेम वही होता है जो कलर कोडिंग सिस्टम वाला चौकोर पारदर्शी प्लास्टिक बोर्ड होता है। शरीर से लाचार व्यक्ति इस पर बने चित्रों या शब्दों को आंखों के इशारों से बताता है। इस तरह से वह पूछे गए सवालों का जवाब दे सकता है। आखिर किताब आई कैन राइट लिखने में से कितने साल लग गए, ये भी आपको बताते हैं। असंभव को संभव करने वाला जोनाथन की मां ने बताया कि हम उसकी आंखों की तरफ देखते, वो आंखों के इशारे से जो बताता उसे लिख लिया जाता। सीखने के दौरान उसे ईश्वर ने अपने विश्वास की बात बताई जो उसके जीवन का अहम हिस्सा थी। माँ ने बताया कि ये किताब लिखने में लगभग 1 साल लगे। फिलहाल इस किताब से दूसरों को भी प्रोत्साहित करने की योजना है। इसके अलावा इसकी बिक्री से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल ई ट्रेन फ्रेम एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जाना है के लिए किया जाएगा। ये वाकई में इस फैमिली के लिए बड़ी मिसाल पेश करते हुए लोगों के लिए बड़ी मिसाल का काम करेगी। ये वाकई में फैमिली की तरफ से लोगों के लिए बड़ी मिसाल है। क्यूरियन हेल्टेक्स के रिपोर्ट।